नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं निकल रहा हूँ घर से बाहर। आज का टूर आपको रास्ते में बताता हूँ, और रात में अगर कुछ मिलेगा तो वो भी बताऊँगा, और नहीं मिलेगा तो आप देखते रहना जो भी होगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं आगे के सफर में। हेलो दोस्तों, तो मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख रहे होंगे भी, और गाड़ी लगी है हमारी, और करते हैं अपना सफ़र शुरू। नाइट सफ़र के लगभग 2 बजे लगेगी। चल और कंपनी, ठीक है, ओके बाय। तो दोस्तों हल्का सा अंधेरा, इसलिए साफ दिख नहीं रहा है। मिलता हूँ आगे आपको जहाँ पे कुछ मिलेगा। दोस्तों अभी रात के लगभग 4:30 बज रहे हैं, हम गुजर रहे हैं लगभग जाम में फंसने के बाद, और हमें यहाँ पे काफ़ी बकरियाँ मिल रही हैं। कल्याण तो नहीं बाख रहा कोटदार है तुम, गौर का तुम्हारा कोटदार है जी। अच्छा हेलो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ आधे रास्ते में, और आप देख सकते हैं अभी रात पूरी पूरी ढंग से, और जो ही रात होगी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। गाड़ी यहाँ पे लगाऊंगा। तो दोस्तों हम दोनों लोग पहुंचने वाले हैं गैरसैंण, है ना। गैरसैंण कितना किलोमीटर यहाँ से? 7-8 किलोमीटर ना। चलो मिलते हैं आगे, रात खुलने के लिए पहुँचे दोस्तों हम यहाँ, है ना। जो भी होगा आपको दिखाते हैं, कहाँ जाएंगे ये जाने के बाद बताऊंगा मैं। हाँ दोस्तों, अभी हूँ मैं राम बद्री नहमा, अभी हूँ मैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग तो पहले से कह रहा हूँ सुबह से मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभी रामपुर में, तो ये रामपुर प्रताप का कुमाऊँ में, तो सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं, हम पहुँच गए हैं कुमाऊँ। ठीक है दोस्तों, आगे जो भी होगा मैं आपको फिर से बताऊँगा। ये दोस्तों आप देखो तो ये हो रहा है कुछ, ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आके। दोस्तों अभी यहाँ से रानीखेत 36 किलोमीटर, और गुरुदेव तो 5 किलोमीटर, और द्वाराट तो यहाँ जाना दोस्तों हमको। अभी पेड़ पर ये कुप्पी लगी है जिसमें ये गम जा रहा है। ये मैंने पहले आपको हिमाचल वाले टूर में दिखाया था, ये लगा होता है, और इस पर भी लगा हुआ है, देखो ये है ना। तो ये मुझे कुमाऊँ में मिला लीसा निकालने के लिए जो लगाया गया है, और इस प्रकार से फिर ये चीरे लगे हैं, और इन चीरों के माध्यम से गम यहाँ पर इकट्ठा होगा, और फिर यहाँ से नीचे उतरेगा। ये देखो जाम लगा हुआ दोस्त इधर, पता भी एक ना करे काम है। अच्छा, उनको पता है, ड्राइवर को पता है क्या? चलो ठीक है, चलो चलो
हाँ पहुँचने वाले से भाई 11 बजे बाद कुंडे आई जा तो पहुँचने वाले से पूरा मेरा निखिल बोल रही ना जो जाने मर्जी है ना दोस्तों हमें अभी ईरानी खेत में अल्मोड़ा जिले में पड़ता है ईरानी खेत ईरानी खेत के लिए आता भाई यही तो सर यही तो सर तो आर्मी एरिया रानीखेत का बहुत बड़ा एरिया है छोटे वालों ने मारे मारे वाहन से जाए तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। तो हम जा रहे थे आज नैनीताल। तो दोस्तों आपको दिखाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा नैनीताल के सुंदर नज़ारे। और आप बने रहना मेरे साथ पूरे नैना देवी के मंदिर से नैनीताल के चारों ओर का मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। तो बने रहना आप मेरे साथ। अभी हम नैनीताल से जा रहे हैं मलीताल की ओर। और यहाँ पर जाने से पहले हमें चेक पोस्ट मिलती है और चेक पोस्ट पर हम लोगों को वहाँ पर 110 रुपये देने पड़े। और अभी नैनीताल में हूँ और आपको बता दो हूँ कि जो यहाँ पार्किंग होती है ना, ये सुबह का समय लगभग 11 बजे फुल हो जाती है। यहाँ पार्किंग में जगह नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये नज़ारा है नैनीताल का खूबसूरत नज़ारा। और पूरे वीडियो के साथ मिलूंगा आपको मैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।